शुद्ध शाकाहारी नेपाली खाना। क्या खूबसूरत खाना है देखने में। और दोस्तों मैं खाने के बाद बताता हूँ आपको कि इसका स्वाद भी लाजवाब है। मित्रों तो अब हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे काठमांडू से, और अगला स्टॉपेज होगा हमारा चितवन, जो कि नेशनल पार्क है और बहुत ही खूबसूरत जगह। वहाँ पे आप डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सफारी का बहुत आनंद ले सकते हैं। नेशनल पार्क है, बहुत रिकॉग्नाइज जगह है और बहुत लोग जाते हैं। वाइल्ड लाइफ और नेचर का ब्यूटी का आपको मजा लेना है तो चितवन जरूर जाए। वहाँ एक से एक रिसॉर्ट्स है जो आपको काफी पसंद आएगा। बहुत हर चीज वहाँ बहुत सिस्टमेटिक है, और वहाँ घूमने के लिए वाइल्ड लाइफ जो फ्लोरा फौना है वो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी। चलिए तो अगले पड़ाव पे मिलते हैं आपसे चितवन में। दोस्तों भूख भी लग चुकी है, अब रेस्टोरेंट में थोड़ा खाना खा के फिर हम लोग यहाँ से निकलते हैं चितवन के लिए। आइए चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ खाना क्या मिलता है। नहीं, हम लोग चूंकि नेपाल में है तो नेपाली खाना खाएंगे, तो नेपाली में थाली है, नेपाली थाली तो चलो आप एक नेपाली थाली कर दो और बाकी तो जैसा बताया कर दो। तो आज हम लोग नेपाली थाली, नेपाली खाने का टेस्ट लेते हैं, नेपाली थाली ऑर्डर करते हैं हम लोग। आज हम लोग नेपाल में हैं तो नेपाली थाली का आनंद लेंगे। सुशांत जी आपको नेपाली थाली खिलाया जाएगा। हाँ, नेपाली थाली आज खाएंगे, देखेंगे क्या टेस्ट है उसका। और स्वर्धन साहब आपको भी वही चीज सेम नेपाली खाना, नया कुजीन है, नया डिश है। पहले मैंने खाया तो उसमें क्या क्या अच्छे अच्छे फूड आएगा, तो क्या क्या नेपाली थाली में अच्छे अच्छे कुजीन और फूड मुझे मिलता है। चलिए तो नेपाली खाने का आनंद लेते हैं, देखिए क्या क्या है इसमें। देखिए इस तरह का खाना दिया गया है पॉट में, इसमें दाल है और दाल का स्वाद भी बहुत उत्तम है। सब्जी है, घी दिया गया है छोटे से कटोरी में। ये नेपाली थाली है, ये मैंने पहले भी खाया है लहान में, टहरी में। बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। एक बार नेपाली थाली, इंडियन कुजीन तो हम लोग खाते ही हैं, तो एक बार नेपाली थाली यहाँ के व्यंजन का आप जरूर एक बार खाते हैं। अब इसके साथ दही भी है, देखिए दही छूट गया था, अब दही भी आ गया और रोटी भी है, बहुत ही। बहुत बढ़िया खाना है और घी का जवाब नहीं है, घी बहुत टेस्टी है। दोस्तों आप जब भी नेपाल आइए तो आपको रहने के लिए, तो जैसा मैंने बताया था, आपको दिखाया था कि बाबा के मंदिर के बगल में ही बहुत बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट है और होटल्स है। तो आप ठीक सामने में बाबा का मंदिर है, बाबा के मंदिर से रोड क्रॉस करने के बाद अपोजिट साइड में जिसमें अभी हम लोग खाना खा रहे हैं ये होटल है, और रिजनेबल रेट में खाना मिलेगा, तो दिक्कत नहीं है। तो रेस्टोरेंट में खाने का बहुत अच्छा व्यवस्था है, सादा खाना बिल्कुल घर की तरह है और लग ही नहीं रहा है कि हम लोग किसी होटल या बाहर का खाना खा रहे हो। दाल बिल्कुल घर की तरह, दाल साग है, सादा खाना है, सब्जी भी है, या सब कुछ लगता है कि एकदम घर में हम लोग हैं, घर में खा रहे हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है, खाना में मसाला भी बहुत कम है। जैसा कि मित्रों हमने बताया था कि अब अगला पड़ाव हमारा चितवन होगा, तो हम चितवन के लिए निकल चुके हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं रास्ते का सफ़र कैसा है और किन किन घाटियों से होके हम लोग गुजरते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ बने रहिए। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रौनक ऑन रोड। चलिए तो अब चितवन तक का सफ़र इस एपिसोड में हम आपको दिखाते हैं कि चितवन हम लोग कैसे कैसे पहुँचते हैं।
दोस्तों नेपाल जो है हिमालय के ऊपर ही है, हिमालय की तराई में है आप जैसा कि जानते हैं। और जो काठमांडू से चितवन का सफ़र है बिल्कुल घाटियों वाला है और बहुत ही ख़तरनाक रास्ते हैं और इसमें ट्रेन ड्राइवर होना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग चितवन के लिए निकले हैं, तो आप देख सकते हैं कि कैसी घाटियाँ हैं, पहाड़ी से हम लोग नीचे उतर रहे हैं अभी। हालांकि काठमांडू बहुत ऊपर है, तो अभी देख सकते हैं आप कि हम नीचे उतर रहे हैं और पहाड़ों के ऊपर ही घूम रहे हैं हम लोग। तो और नीचे जाके हमें एक नदी मिलती है जो कि नदी के किनारे किनारे ही रोड बना हुआ है, जो रोड पकड़ के जाना है हमें। तो चलिए आगे का सफ़र आपको दिखाता हूं। ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं सामने में, ये टनल बन रहा है, ये काठमांडू जाने के लिए एक बहुत ही लंबी सुरंग बन रही है, जिसका पूरा डिटेल तो हम अभी आपको बता नहीं पाएंगे क्योंकि काम अभी चल रहा है। आप देख सकते हैं सामने में कि किस तरीके से सुरंग बनाया जा रहा है। तो दोस्तों सुरंग बनने के बाद यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन आप अंदर का ले पाएंगे, बाहर का नहीं। बाहर का नज़ारा कुछ और होता है, बाहर से जाने का मज़ा भी कुछ और है। तो आप देख रहे हैं कि क्या खूबसूरती है बाहर का, और ये टनल की खूबसूरती आपको, जैसे कि आपने इंडिया में देखा है अटल टनल है, उसी टाइप से ये भी बहुत बड़ा टनल बन रहा है। अब टनल के बारे में बताएंगे, जब ये बन के तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको इसका अपडेट दूंगा। चलिए दोस्तों चितवन ले चलता हूँ आपको। हम लोग चितवन पहुँच चुके हैं और चितवन के लिए आप इंटर कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, ये चितवन का मेन गेट है, यहाँ से इंटर किया जाता है। तो चितवन की खूबसूरती मित्रों मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड पे दिखाऊंगा। आज फिलहाल चितवन का नज़ारा देखिए, जो चितवन जगह है उसकी खूबसूरती रात की देखिए। ये हाथी चौक पे हैं अभी हम लोग, यहाँ से राइट टर्न लेंगे, यहीं पे होटल है हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।